अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में एफपीएससी के थ्रू जो सीएसएस एमपीटी टेस्ट हुआ है 21 मई 2023 को, इसके सेकंड बैच के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर अल्हम्दुलिल्लाह 70% इसके एमसीक्यूज testpoint.pk वेबसाइट से आए हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे विजिट करते रहा करें। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु वाज द फर्स्ट ऑफ द हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम्स चिल्ड्रन टू बी बोर्न। सो इसका करेक्ट आंसर हज़रत कासिम है। हज़रत कासिम जो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़े साहिबजादे थे, हज़रत कासिम, और उनके बाद हज़रत ज़ैनब, उनके बाद हज़रत रुकैया, फिर हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातमा, हज़रत अब्दुल्ला, फिर हज़रत इब्राहिम थे। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार साहिबजादियाँ और चार जो थे वो साहिबजादे थे, जिनमें जो सबसे बड़े थे वो हज़रत कासिम थे, और हज़रत इब्राहिम जो थे वो सबसे छोटे थे, और हज़रत जो इब्राहिम थे ये मारिया किप्तिया की औलाद थी, और बाकी जो औलाद थी ये सारी जो थी ये हज़रत खदीजा की औलाद थी। सो हज़रत कासिम यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू स्टार्ट ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन यूएसए एंड रशिया इन विच ईयर। सो इसका करेक्ट आंसर 2010 है, लेकिन जो ऑप्शंस था उनमें नन ऑफ दीज था, 2010 नहीं था। ये 2010 में ट्रीटी साइन हुआ था रूस और अमेरिका के दरमियान, और 2023 में रूस ने इससे जो है सस्पेंड कर दिया है इस ट्रीटी को, और ये 2010 में साइन हुआ था जब बराक ओबामा यूएस का प्रेसिडेंट हुआ करता था। नेक्स्ट है, इन विच नबवी ईयर द सोशल बाइकॉट ऑफ बनू हाशिम वाज स्टार्टेड। सोशल जो बाइकॉट हुआ था बनू हाशिम का, ये 7 नबवी को हुआ था, यानी कि ये 7 नबवी को हुआ था, 616 एडी में हुआ था और 619 एडी में ये ख़त्म हुआ था। सो 7th नबवी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ को रिलेटिव कंजंक्शन? को रिलेटिव कंजंक्शन का जो एग्जांपल है वो नाइदर नार है। को रिलेटिव कंजंक्शन वो होते हैं जो दो वर्ड्स होते हैं, जो दो पेयर्स होते हैं, जैसे जहाँ नाइदर आ गया तो उसके बाद आर नार का यूज़ किया जाएगा, जहाँ नॉट ओनली आया तो वहाँ बट आल्सो का यूज़ किया जाएगा, इसी तरह आइदर के बाद आर का यूज़ किया जाएगा, और बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज़ किया जाता है। सो ये जो है को रिलेटिव कंजंक्शंस इन्हें कहा जाता है। आई वॉज अमेज्ड डैश हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस। सो अमेज के बाद हमेशा हम जो है प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं, आई वॉज अमेज्ड एट। सो अमेज के बाद एट का यूज़ किया जाता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। आर्डर फॉर नमाज इन द होली कुरान फॉर हाउ मेनी टाइम्स। सो नमाज का जो जिक्र है कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है? सो नमाज का जिक्र कुरान मजीद में 700 मरतबा आया है, 700 टाइम्स इसका करेक्ट आंसर है। अल्लाह क्रिएटेड अर्थ एंड हेवेंस इन हाउ मेनी डेज? सो 6 डेज, 6 दिनों में अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बनाया था। सो 6 डेज इसका करेक्ट आंसर है। लिरा इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री? लिरा इज़ द करेंसी ऑफ तुर्किया, तुर्किया की करेंसी है, इसका जो कैपिटल है वो इस्तनबुल है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। मलाला यूसुफ़ज़ई ने कब नोबेल प्राइज़ हासिल किया था? सो मलाला यूसुफ़ज़ई नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाली पाकिस्तान की सेकंड पर्सनालिटी हैं, और इनको 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था, डॉक्टर अब्दुल सलाम को 1979 में नोबेल प्राइज़ मिला था। द ICO समिट इन सितंबर 2022 हेल्ड इन विच कंट्री? सो ये उज़्बेकिस्तान में हुआ था, ये 2 रोज़ा इजलास था, 2 रोज़ा समिट था, और ये 15 से लेकर 16 सितंबर 2022 में उज़्बेकिस्तान का एक सिटी है समरकंद, समरकंद में हुआ था, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने की थी। वुमेन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डेट? सो इंसानी हकूक का जो आलमी दिन है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो ऑप्शंस था उनमें नन ऑफ दीज था, सो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज? पाकिस्तान के जो 4थे वज़ीर आज़म थे वो चौधरी मोहम्मद अली थे, और लियाकत अली ख़ान पहले थे, 2nd पे ख्वाजा नाजमुद्दीन, 3rd पे मोहम्मद अली बोगरा, 4थे जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के ही वाज चौधरी मोहम्मद अली। बाजीचाए अतफाल से क्या मुराद है? इसका मतलब होता है बच्चों का खेल,
पीस ऑफ केक जिसे हम कहते हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। सुन्नत का क्या मतलब है? सुन्नत का मतलब है तरीका या फिर अमल, और यही इसका मतलब होता है सुन्नत का। मुताबिक मुताबकत के क्या माना है? इसका माना है बराबर होना, इक्वल होना। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। कब किसे कहते हैं? कब कहते हैं शेर के बच्चे को? शेर का बच्चा इसका करेक्ट आंसर है बहवालाए बाला। ये उर्दू का एक फ्रेज़ है, इसको इंग्लिश में कहेंगे अबव साइटेड। अबव साइटेड रीजंस या फिर अबव साइटेड आप कुछ भी कह सकते हैं। शी अशोर्ड मी डैश हर हेल्प। शी अशोर्ड मी ऑफ हर हेल्प। सो अशोर के बाद ऑफ का यूज़ किया जाता है। शी अशोर्ड मी ऑफ हर हेल्प। इस वीडियो को देखने के बाद testpoint.pk विज़िट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें। और नेक्स्ट है वो 3 लीटर दूध लाया। इस जुमले में इसमें सिफत की कौन सी किस्म है? सो इस जुमले में इसमें सिफत की सिफत मकदारी है। सिफत मकदारी इसका करेक्ट आंसर है। वो ख़ास नाम जो किसी खूबी या वसफ की वजह से मशहूर हो उसे लकब कहा जाता है। लकब इसका करेक्ट आंसर है। अमीनुल उम्मत किसे कहा जाता है? अमीनुल उम्मत कहा जाता है हज़रत अबू उबैदुल्लाह बिन जर्राह को। अमीनुल उम्मत कहा जाता है। द बुक अल मौता इज़ रिटन बाय। सो अल मौता जो ये बुक है इसको इमाम मालिक ने लिखा था। इमाम मालिक इसका करेक्ट आंसर है। विच सूरा हैज़ ऑर्डर्स ऑफ वज़ू गुसल एंड तयमम। सो ये सूरह मायदा में वज़ू गुसल और तयमम का जो है वो हुक्म है। सो सूरह मायदा इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मुस्लिम। सो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनको नमरूद ने आग में डाल दिया था 40 रोज तक। खलीलुल्लाह इनका लकब है। इन्हें फादर ऑफ मुस्लिम्स कहा जाता है। कलर ऑफ फर्स्ट इस्लामिक फ्लैग वाज वाइट। पहला जो इस्लामिक झंडा था वो वाइट था, सफ़ेद कलर का था। द होली प्रॉफिट लिव्ड इन मदीना फॉर हाउ मेनी ईयर्स। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में उन्होंने 10 साल क़याम किया था। 10 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान हैज़ आलमोस्ट डैश किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। सो ऑप्शन ए बी सी या फिर नन ऑफ दीज, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ हमने काफ़ी वीडियोस बनाई थी इसी YouTube चैनल पर CSS MPT टेस्ट के लिए। 500 प्लस MCQs की भी एक वीडियो बनाई थी। अगर आपको उसमें से उन वीडियोस में से कुछ फ़ायदा हासिल हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पेपर के जो मज़ीद क्वेश्चंस हैं वो आप हमारी वेबसाइट testpoint.pk विज़िट करके देख सकते हैं। बाकी सवाल इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा, जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ इस YouTube चैनल पर पास्ट पेपर्स, इंग्लिश, जर्नल, एज, करंट अफेयर्स की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। आप बाकायदगी से वीडियोज़ को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते रहते हैं। और ये वो वेबसाइट है जहां आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।